हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब सही होंगे। गाइस, मैं ना आज चंडीगढ़ में सेक्टर 15 में आ रखा था। यहाँ पे मिलती है भाई बुक्स, ठीक है, 15 की बुक मार्केट है। और यहाँ पे यार आप कह सकते हो कि पुरानी बुक्स मिलती हैं हाफ रेट्स पे स्टूडेंट को ना। पंजाब यूनिवर्सिटी और आसपास के जो कॉलेजेस हैं, मतलब चंडीगढ़ के अंदर जितने भी कॉलेजेस, सारे के सारे पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो वहाँ पे मेनली जो बुक्स चलती हैं भाई, वो सारी पंजाब यूनिवर्सिटी वाली होती हैं। सेम यहाँ पे देख सकते हो भाई, आप यहाँ पे ना जो भी ये बुक मार्केट है, हाफ रेट में मतलब यहाँ पे बुक्स मिल जाती हैं बच्चों को। और पता कर लेते हैं इनसे कौन कौन सी जो है बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये भैया बैठे हैं सामने, भैया क्या है भैया? भैया आपके पास कौन कौन सी बुक्स मिल जाती हैं? स्कूल कॉलेज और हाफ रेट भी मिलती है, मतलब क्या क्या सीन है बुक्स का? अच्छा, 40% पे आपको रिटर्न भी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो बुक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में चलती है, मतलब मेनली ज्यादातर वही रखते हो? और जो जैसे दूसरी इंजीनियरिंग वगैरह की बुक होती है, वो भी मिलती है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कितने से स्टार्ट होता होगा भैया प्राइस बुक का यहाँ पे? ओके, सारा एमआरपी के अकॉर्डिंग आप जो है 60% पे सेल कर देते हो, ठीक है। तो मैं देख देते भाई, काफी सारी बुक्स है भाई यहाँ पे, बढ़िया है। देखो बुक का ढेर लगा है, ठीक है। और जो चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसी मार्केट और भी है, बट हाँ 15 के अंदर अगर आपको बुक्स चाहिए तो भाई आप देख सकते हो। एक दो बुक्स मैं भी यहाँ से लेके जाता रहा हूँ काफी बार। तो भैया आपके पास भी कौन कौन सी बुक्स मिलती हैं? सारी होती हैं हमारे पास, सारी बुक्स मिल जाती हैं। आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही रखते हो कि मतलब जो पंजाब यूनिवर्सिटी में चलती हैं सारी, ऑल ओवर? जैसे इंजीनियरिंग की बुक्स हैं सारी सारी मिलती हैं आपके पास? सारी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, प्लस वन प्लस टू, जो चंडीगढ़ के अंदर है, मान लो कॉलेजेस, उनकी मिलती हैं, जो जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बाहर की भी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसकी बुक्स भी मिलेंगी आपके पास? केयू तक की है, ठीक है, केयू तक की बुक्स मिल रही है। ठीक है, क्या बात है भाई। आप नई बुक्स भी सेल कर रहे हो आप? ओके, और पुरानी भी सेल कर रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू भैया। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे नई बुक्स के साथ साथ पुरानी बुक्स भी मिल रही हैं। और पुरानी बुक्स तो मिलती हैं भाई, बताया मैंने आपको कि ओल्ड और न्यू बुक्स का सेल परचेज यहाँ पे होता है। 15 में सबसे बेस्ट मार्केट आप कह सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। यार ये मार्केट ना बहुत मशहूर है, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यू बुक्स बाय नहीं करना चाहते ना, वो यहाँ पे आते हैं और थोड़े से पैसे देकर, मतलब 60% देकर अब जो है एक बुक ले जाते हैं। और बुक्स की कंडीशन भी बहुत बढ़िया होती है। भैया सामने है, भैया क्या हाल है भैया आपके? तो भैया आप भी सेल परचेज आपका बुक्स का, ओल्ड न्यू दोनों बेचते हो? सिर्फ ओल्ड है आपके पास? तो आप दिखा सकते हो कंडीशन कैसी होती है बुक्स की यहाँ पे, एक बार दिखा दोगे कोई बुक आप? ओके, तो ये बुक जीके, ये जीके की बुक है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन भाई देख सकते हो आप, सेकंड हैंड में है, बट कंडीशन वही है कि यार आप अगर एक बुक को यूज ना करो उसे घर पे काफी टाइम के लिए पड़ा रहने तो थोड़ा बहुत डर्टी हो जाती है। बट आप देख सकते हो भाई, एक भी पेज के ऊपर ना पेन का निशान नहीं है। तो लोग जो बुक्स यहाँ पे यहाँ से लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ बेच के भी वापस जाते होंगे, रिटर्न करके जाते हैं बुक। तो आप भी रिटर्न लेते हो बुक्स को? कितनी क्या प्राइस होता है रिटर्न का? 40%। और आपने कौन कौन सी बुक्स रख रखी है यहाँ पे? ओके, जैसे आपने जीके रख रखी है, तो और भी मतलब जो बीए वगैरह सारी है, सारे कोर्सेज की बुक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे मेनली आप जो बुक्स रखते हो, सबसे ज्यादा बुक्स कौन से कॉलेज की होती है आपके पास? सारी हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। तो भाई यहाँ पे और भी लग रखी है, आप देख सकते हो यार बुक्स तो, आप घुमाओगे ना यहाँ पे नजरें तो आपको हर जगह बुक्स ही बुक्स देखने को मिलेंगी। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोर्स की बुक्स होती हैं, और भी नॉवेल्स वगैरह ये सब भी जो है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी बात करते हैं जो कहानियों के शौकीन है, नॉवेल्स के शौकीन है, स्टोरी रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है सस्ते में बहुत सारी बुक्स मिल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बुक यार आपको बहुत महंगी मिलती है ना, वो यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो देखो भाई SSC की तैयारी कर रहे हैं जो भाई, उनके लिए बुक्स पड़ी हैं सारी, मतलब यार बहुत बहुत ही ज्यादा वैरायटी है भाई, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, वो भी यार कम पैसों के अंदर अंदर। तो गाइस यार आप यहाँ पे देख सकते हो ना, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे ना, बुक्स तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है, आपको मैंने आपको बताया कि बुक्स की वैरायटीज़ जो बहुत सारी हैं, बट एक चीज़ मुझे ना खुद को मतलब ठीक नहीं लग रही। आप देख रहे हो कि शेड वगैरह यार यहाँ पे ना जो ऊपर है प्रॉपर नहीं है, मतलब ठीक है। तो क्या होता है कई बार बारिश वगैरह होती है तो बुक्स वगैरह ना ख़राब भी हो जाती हैं, तो भाई इसे थोड़ा सा रेनोवेट करवाना चाहिए यहाँ पे ना, तो जो है पक्का मतलब एक काम करवाना चाहिए इसका। ऊपर देखो शेड वगैरह है ना, ये कई बार टूट भी जाते होंगे और इसके अंदर से पानी है, महंगी महंगी बुक्स हैं। और भाई और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्टडी ना नॉलेज इन किताबों से मिलता है, और जो किताबें हैं वो यार एक तरीके से ना इंसान के लिए ज्ञान है ना, जो बहुत ज़रूरी है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। हम सब लोग पढ़ते रहे हैं, जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं आप भी पढ़े लिखे होंगे, बट यहाँ पर जो ये काम हो रखा है ना, थोड़ा सा गलत ही लगा मुझे, क्योंकि यार आप देख सकते हो फाइबर लगा हुआ ऊपर, ये बीच में से टूट फूट जाता है, बारिश होती है पानी नीचे आता है, बुक्स ख़राब हो जाती हैं, मतलब वो चीज़ें यहाँ के लोगों को इशू भी आता है। बट चलो फिर भी जो है हम दिखाते हैं आपको ना, भाई ने नाम बहुत सही रखा हुआ है चंडीगढ़ बुक शॉप। भैया कौन कौन सी बुक्स रख रखी आपने?
सारी हैं, स्टोरी वगैरह की, नॉवेल्स वगैरह सब देते हो? क्या प्राइस होता है मेनली, किस कॉस्ट से आपकी बुक स्टार्ट हो जाती है? 250 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है भाई, तो और कॉलेज वगैरह की बुक भी रखते हो, स्कूल वगैरह की? ओके, कॉलेज वगैरह की भेज रहे हो, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से रखते होंगे ना, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं? ठीक है। नहीं नहीं अंकल जी, धन्यवाद अंकल जी, बहुत बढ़िया लगा। अंकल ने हमें रोका, बुक्स के बारे में पूछा और कार्ड भी दिया अंकल ने अपना। तो देख सकते हो भाई, ये है गुलाटी बुक शॉप। ठीक है, आपके पास भी अंकल ओल्ड सेल न्यू बुक जो है ना सब करते हो? ओल्ड न्यू सब बुक सेल करते हो? कौन कौन सी कोर्सेज के बुक्स हैं आपके पास? अब हम नाइन्थ, आपके पास सारी बुक्स हैं? कॉलेज वगैरह की भी रखते हो? ओके, न्यू भी है कि पुरानी है सारी? न्यू ओल्ड दोनों। अच्छा, न्यू ओल्ड दोनों है, ठीक है ठीक है। काफ़ी कुछ, काफ़ी बुक्स वगैरह रख रखे हैं अगर यहाँ पे देखा आपने, आपने तो चलो बढ़िया काम कर रखा है, ऊपर ये लगा रखा है ना, अब यहाँ पे फाइबर वगैरह लग रखे हैं, तो ये दिक्कत, पानी भी करता है, दिक्कत देते हैं आपको है? दिक्कत बहुत ज़रा, एक तो पानी बहुत आता है इससे। अच्छा, जैसे बारिश आई, बारिशों में पानी अंदर, पानी चोएगा, बुक्स खराब हो जाती होंगी फिर? तो खराब हो जाती है बस। ठीक है ठीक है ठीक है, जरूरी है, करना भी जरूरी है, बट आपने इसकी एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाली एडमिनिस्ट्रेशन को? दे रखी है। अच्छा, होता है, चलो होना तो चाहिए, जरूरी है, बुक्स एक बहुत जरूरी चीज है, मतलब सही बात कह रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है अंकल जी, थैंक यू। नहीं नहीं अंकल जी, धन्यवाद। तो देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी और भी बुक्स हैं, BA, PSC, MA, पंजाबी, MA, सोशोलॉजी, NIUS की बुक्स भी मिलती हैं भाई यहाँ पे। NIUS यार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वहाँ पे ना चंडीगढ़ के अंदर 11 सेक्टर में उसका उनका ऑफिस है। ठीक है, जो बुक्स बच्चे वहाँ पे जो पढ़ते हैं, वैसे तो उनकी बुक्स मिल जाती हैं, बट कई बार क्या होता है कि बुक्स आप तक पहुँच नहीं पाती, तो उनकी बुक्स आपको भाई यहाँ पे इन शॉप्स में मिल जाती है आराम से। ठीक है ना, तो 15 सेक्टर के अंदर है भाई, आप वहाँ देखोगे तो उधर है 15 सेक्टर की मार्केट। ठीक है, फ्लोरल गार्डन है सामने, फ्लोरल गार्डन के पास लगती है 15 सेक्टर की रेडी मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो अंडर ब्रिज है, अंडर ब्रिज के बाहर जो है, यहाँ से ऊपर ऊपर जाते हुए ना, जब आप यहाँ से देखोगे ना, तो ये मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्केट है, बुक मार्केट, और वहाँ से आप देख सकते हो अंडर ब्रिज है, ये है सेक्टर 11, जो मैंने आपको एक फ़ोटोशूट वाली लोकेशन दिखाई थी ना एक बार, ये वही लोकेशन है भाई वहाँ पे ना। और यहाँ पे आपने देख ही लिया भाई, बुक्स वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाती हैं। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हमारा एम यही रहता है कि आपको चंडीगढ़ की जो ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम उसके बारे में आपको बताते रहते हैं, और आपका प्यार भी मिलता रहता है हमेशा। और अगर किसी ने इस मार्केट से कभी बुक खरीदी है तो भाई वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कभी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बुक ली हो, और अगर कोई खरीदता है यहाँ से अभी बुक, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।